गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट से पहले कुछ कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो उस कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग क्यूब रूट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, राइट। जैसे ये रूट, रूट के अंदर में अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। रूट के अंदर में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये रूट है तो यहाँ पे ये 2 छुपा हुआ रहता है, क्लियर है, याद रखना। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब में कुछ ऐसे रहता है। क्यूब कहने का मतलब ही क्या होता है कि ये पावर में 3 रहेगा, है ना। और स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ये 2 रहेगा। तो ये 2 जो रहता है, ये यहाँ पे आप देखे होंगे हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, क्लियर है। यहाँ पे क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। और यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे ये जो 3 हमेशा क्या रहेगा, क्यूब में यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यूब की बातें हो गई और ये स्क्वायर की बातें हो गई, स्क्वायर रूट की और ये क्यूब रूट की। आज हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, क्यूब रूट, ठीक है। चलो देखते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आया है ना। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, क्लियर। और क्यूब में दिया हुआ रहता है, क्यूब रूट में 3 गिवन रहता है, यहाँ पे लिखित में रहता है 3, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। क्वेश्चन रहेगा फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, है ना, 512, ठीक है, ऑफ नंबर 512, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 512 का आप मुझे क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। क्यूब रूट निकालिए कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। दो मेथड हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा डिवीजन मेथड, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है, ये कुछ ऐसे ऐसे होता है, क्लियर। और डिवीजन मेथड में आपको याद होगा कुछ यू करके फिर ऐसे ऐसे होता है, डिवीजन मेथड में, क्लियर है, राइट। तो ये ऐसे होता है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको क्यूब रूट निकालना देख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी फाइंड द क्यूब रूट, राइट। तो लुक हियर, राइट, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, 512 का फैक्टराइजेशन करना है, क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 512 का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, दैट मींस कि ये 2 से डिविजिबल है। इफ वंस प्लेस पे 2 है तो दैट मींस क्या हुआ, ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से लगाते हैं तो कितना हुआ, 2 जा, और उसके बाद ये 4 हो गया, और 1 और ये 1, तो 2 5 जा 10, अगेन 6 जा, क्लियर। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, 2 से 512 में आप डिवाइड करोगे तो 2 जा 4, ये 1 और ये 1 नीचे आया, ये 1, ठीक है। 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 2 नीचे आया, तो 2 6 जा, उधर 256 आया, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिवाइड करना है, ठीक है। अब चलो 2 से फिर लगाते हैं, 2 1 जा, 2 से फिर जाएगा क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, देखो 1, अगेन यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 6 8 जा, अगेन 2 से क्योंकि 8 है वंस प्लेस पे, राइट, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा, अगेन 2 से 2 3 जा 2 जा, अगेन 2 से 2 1 जा 2 1 जा, और 2 6 जा, क्योंकि 16 2 जा क्या 32 होता है ना। अब देखो अगेन 2 से 2 8 जा, अगेन 2 से 2 4 जा, अगेन 2 से 2 2 जा, अगेन 2 से 2 1 जा,
राइट। तो यहाँ देखो ये कुछ ऐसे ऐसे आया है, क्लियर है। तो अब चलो ये 5.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 5.1.2, क्लियर है। 5.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई यहाँ ये सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टाइम हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इसको भी बनाना है, इसको रफ में नहीं बनाना है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हूं इसको वहीं पे बनाना है, क्लियर है। इसके इसके ठीक नीचे में ये इसको बनाना है, क्लियर है, ठीक है। चलो ये पहले बना लेते हैं, उसके बाद ठीक नीचे में 5.2 इक्वल टू कुछ ऐसे लिखना है, क्लियर है। देखो ये 9 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टाइम आया है, 1 को छोड़ देते हैं, क्लियर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अगेन ये 9, ठीक है। अब चलो मैं एक बार गिर लूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्यूब। क्यूब में हमें क्या करना है, तीन तीन का पेयर लेना पड़ेगा और नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यूब में तीन तीन का, और स्क्वायर में दो दो का लेते थे, याद करो, स्क्वायर में दो दो का लेते हैं और क्यूब में तीन तीन का पेयर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तीन का पेयर हो गया, ठीक है। ये टू कितने, तीन का पेयर हो गया, फिर यहाँ पे तीन का पेयर हो गया, फिर यहाँ देखो तीन का पेयर हो गया, देखो थ्री का पेयर, राइट। इसको क्या, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये थ्री और ये रूट के अंदर, इसको इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यूब है ना, ये क्यूब और ये रूट, और ये जो बना ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रूट बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट हो गया, अगर नहीं है तो भी ये स्क्वायर रूट है, क्लियर है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि ये क्या है, तो ये इसको रूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, और ये थ्री लिखा है यहाँ पे तो ये क्या है, क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने, क्यूब रूट किसका, 5.1.2। क्यूब रूट किसका, 5.1.2 का क्या है, अब ये थ्री के पेयर में से एक निकालना है, थ्री के पेयर में से एक निकल गया मल्टीप्लाई, अब ये तीन के पेयर से फिर एक निकल गया मल्टीप्लाई, फिर तीन के पेयर में से एक निकल गया, समझ में आया। पूरी बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। यहाँ पे देखो क्यूब रूट 5.2 इक्वल टू 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, ये तीन पेयर में से एक को निकालना है, क्लियर है। ये तीन पेयर में से एक को निकालना है, तीन पेयर में से एक को निकाला मैंने, जो नंबर जैसे जैसे थ्री का पेयर बनता, थ्री थ्री थ्री, तो थ्री 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 में से एक थ्री बाहर आता, ठीक है, वही चीज है। 2 × 4, 4 × 8, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर, क्यूब रूट 5.2 का आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। तो याद रखना आप कि 5.2 का क्यूब रूट क्या होता है, 8, क्लियर है। और 8 को ये इसका आंसर हो गया, ये पूरा क्यूब रूट आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, राइट, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कौन से मेथड से हम लोग कर रहे हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, उसके बाद क्यूब रूट हमने यहाँ पे निकाला, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना, ठीक है, वीडियो को क्या कर लेना, वीडियो को आप पीछे कर लेना और फिर उसको फिर से देख लेना, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। राइट, आप ही के बुक से एग्जांपल उठाया हूं, लेकिन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसके कंसेप्ट क्या है, ये किस तरह से बनता है, राइट। तो चलिए अगला क्या है, फाइंड क्यूब रूट। यहाँ पे डिटरमाइन भी लिखा रह सकता है, डिटरमाइन मतलब भी वही होता है, निकाल के बताइए, है ना। फाइंड दैट मीन्स क्या होता है, वही चीज करना है, है ना। तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ 9.125, ये नंबर दिया है, इसी का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलो कर देते हैं। 91125 का हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 से कब जाएगा, जब इसके सभी डिजिट को ऐड करते हैं। सभी डिजिट को ऐड करने से अगर जो सम आ जाए, है ना, तो देखो 5 + 2 = 7, 7 + ये 1 = 8, और ये 1 = 9, 9 + 9 = 18, 9 + 9 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो देखो 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, और ये 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया, 1 = 8 = 18 हो गया। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 18 जो है ये 3 से डिविजिबल है। जो सम आया इसका, जो ऐड करने के बाद टोटल हुआ, इसके जितने भी डिजिट को हमने सम किया, तो ऐड करने पे 18 आया। 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 से अब इससे हम लोग क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले। देखो ये सब काम ग्राफ में करना, 91125, चलो 3 × 9 ये खत्म हो गया। अब ये 11 आया, 11, ठीक है। एक तो 3 से अब 11 में लगाओ कितना जाएगा, 3 से 11 में लगाओ कितने जाने जाएगा, 3 × 3 = 1। अगर 2 डिजिट ऊपर से हम लोग ला रहे हैं, ऊपर से 2 डिजिट लाते हैं, तो यहाँ पे 1 0 आता है, क्लियर। तो देखो 3 से 3 = 9, यहाँ पे 3 लिखा मैंने, 9 आ गया। अब देखो ये 2, अब ये 2 को यहाँ, ये 2, 2 डिजिट इसलिए उतारना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे 11 ही आएगा, 1 आने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ये 22 हो गया। अब बताओ 3 × 6 = 18, और 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, तो यहाँ 7 जा से लगा दो, 3 × 7 = 21। तो देखो 2 - 22 - 1 हो गया, 22 - 21 = 1, और ये, और अब ये 5 को लाओ, 3 × 5 = कितना, 50 हो गया। तो क्या आया मेरा, 3 0 3 7 5, क्या आया, 3 0 3 7 5, ये 3 से आ गया, क्लियर है। 3 से हमने क्या किया, डिविजिबल किया। आगे देखते हैं, और फिर से इसको चेक करते हैं, 3 से जाना है कि नहीं। फिर से इसके सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं, 7 + 5 = 12 + 3 = 15 यानी कि 3 से जाएगा ये, तो देखो यहाँ से 3 से लगा दे, 3 = 1 = और ये 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 = 1 = फिर 3 × 2 = 6, 3 × 5 = ये हो गया 3 से। अब फिर से 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, है ना। 3 से अगेन जाएगा तो 3 × 3 = 3 × 3 = 9, ठीक है। यहाँ पे देखो 101125 इसको लगाना है हमें 3 से, 3 × 3 = 9, ये 10 - 9 1 हो गया। अब ये 1 को नीचे लाओ, अगेन 3 × 3 = 9, राइट। फिर अगेन 2, अब ये 2 को लाओ, 3 × 7 = 21, अगेन 1, अब ये 5 को लाओ, तो कितना 3 × 5 = क्या, 3 × 3 = 7 5 आया, 3 × 3 = 7 5, ये हो गया, राइट। अब चलो, अब अगेन देखो 5 + 7 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 3 = 18, ठीक है, 18, यानी कि अभी भी 3 से जाएगा, तो फिर 3 से लगाओ, 3 × 1 = 1 = 2 = अगेन 5 से, लुक यहाँ पे, अब 3 से 1125 में लगाओ, 1125 में कितने में जाएगा, 3 से लगाते हैं तो 3 × 3 = 9, राइट।
तो यहाँ टू बचा, फिर ये टू बचा, देखो 1125 को करके देखते हैं, 1125 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 9, 11 में से 9 किया 2, और ये 2 नीचे आए, 3 3 7 21, अभी 1 आया, ये कट गया, ये 5 अब यहाँ आया, 3 5 15, क्लियर? तो कितना आया 375, अगेन 3 से 3 1 जा, और 3, और देखो ये 25 आया है ना, 25 3 75 होता है, हो गया, ठीक है। अब चलो अगेन 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब ये जो 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8, 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे किससे लगाए, 2 से तो लगना नहीं है क्योंकि 1 प्लस में 5 है, 3 से जा नहीं रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, अगर 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, क्लियर? 4 का डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ाया है। अगेन 5 से लगाते हैं, तो चलो 5 से, 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 5 जा, अगेन 5 से लगाते हैं, 5 5 जा, अगेन 5 से लगाते हैं, 1 जा, तो हमें ये क्या हो गया, 9 1 1 2 5 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है हमने, राइट। चलो अब यहाँ देखते हैं, अब 9 यहाँ पे देखो, 9 1 1 1 2 5 को, 9 1 2 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को कितने टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 को लिखना है, तो चलो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई, और 5 को 1 2 3 3 टाइम 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, तो देखो यहाँ पे ये एक पेयर और ये एक पेयर और ये एक पेयर, क्यूब में हमेशा 3 3 का पेयर होता है और नंबर भी सेम होना चाहिए, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब आप कॉपी चेक कराने आते हो तो मैं ये सारी चीज़ें पूछता हूँ, राइट। तो बहुत ही ध्यान में रखना कि क्यूब रूट क्या होता है, आप पढ़ के आना, जब अगली बार कॉपी आप चेक करवाने आना तो आप पढ़ के आना, राइट, कि क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिवीजन मेथड कैसे होता है, राइट। एक एक छोटा छोटा टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके आना अपने माइंड में कि अच्छा ये वाले इसमें ऐसे करते थे, राइट। जैसे आपको शुरू में बताया था कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो वो चीज़ कैसे हम लोग जानते हैं, नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो कैसे जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉपी पलट पलट के आप देखना कि कैसे कैसे हम लोगों ने सीखा, राइट। तो देखो अब यहाँ पे कैसे हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नंबर का क्यूब, यहाँ पे क्यूब दे दिया मैंने 9 1 1 2 5, ये मैंने ऐसे पूरा अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 3 में से एक बाहर किया मैंने, इस पेयर में से एक बाहर किया मैंने, और इस पेयर में से एक को बाहर किया मैंने, क्लियर है। अब सुनो कितना आया, क्यूब रूट ऑफ 9 1 1 2 5 इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, राइट। तो हमने क्या देखा, क्यूब रूट देखा इसका 9 1 1 2 5 का, और सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको कुछ ऐसे बना लेना है, फिर आपको ये कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा, एक एक पेयर में से एक एक नंबर को निकालना है, एक पेयर में से एक नंबर, एक पेयर में से एक नंबर, ठीक है। अब चलिए आज के इस टॉपिक के साथ जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लगातार मैथ्स की ही अभी आपकी पढ़ाई होगी, आप ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखें, राइट। तो अब अगला जो होगा, अब वो चैप्टर 2 पे हम लोग आने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।